नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं? आज नवंबर की 12 तारीख है और मैं एक ऐसे मेडिसिनल प्लांट के बारे में आपको बताऊं कि जिसका सर्दियों में भरपूर इस्तेमाल होता है और आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस प्लांट को आप पहचान गए होंगे, ये मेथी की बात मैं कर रही हूँ, जिसको कि इंग्लिश में फेनुग्रीक के नाम से जाना जाता है। तो इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है, ये इतनी गुणकारी होती है, इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं कि ये अपने आप में ही एक मेडिसिन का काम करती है और खूब सारी बीमारियों को ये दूर रखती है। कई सारे रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और अगर हम इसे रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो खूब सारी बीमारियों को ये हमसे दूर रखती है। तो सर्दियों में खास करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये वैसे पूरे इंडिया में सब जगहों में ये लगाई जाती है, बस यहाँ पे बहुत सारी ज़्यादा बारिश होती हैं तो वहाँ फिर इसका चलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसकी रूट्स वगैरह जैसे सड़ जाती हैं तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसे जो ग्रो करने का टाइम है, पूरे साल भर ग्रो किया जाता है। तो अलग अलग जगहों का अलग अलग जैसे मौसम रहता है, कहीं पे ज़्यादा ठंडा रहता है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी रहती है, किस तरह से इसे ग्रो किया जाता है तो मैं वही बताऊंगी। सितंबर में से लेके मार्च तक तो हमारे यहाँ जैसे ग्रो करते हैं और वैसे इसे फरवरी से ग्रो करना शुरू कर दिया जाता है। तो जैसे पहाड़ी इलाकों में अपना हिसाब किताब होता है, वो जुलाई में इसे ग्रो करते हैं और जैसे मैंने ठंडी जगहों में बताया उस तरह से, या फिर साउथ इंडियन जो है वो उनके अपना तरह का क्लाइमेट होता है तो वो थोड़े अलग मौसम में इसे ग्रो करते हैं। तो अब इसके बारे में मैं चर्चा करती हूँ इसको लगाने से पहले। तो ये जो पत्तियाँ जो हैं, पूरा साल भर इसका इस्तेमाल होता है। एक तो इन्हें सूखे के रूप में सुखा के जो इस्तेमाल किया जाता है, हमारी सब्जी या साग सब्जी बनाई जाती है उसकी खुशबू के लिए या न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल, पत्तियों का, सूखी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा हमारे किचन में ये जो मसाले के रूप में ये सीड होते हैं, हम कोई भी अचार बनाते हैं तो इसके बिना जो अचार है हमारा अधूरा होता है। तो ये फेनुग्रीक के जो सीड होते हैं इसका खूब इस्तेमाल अचारों में होता है और साग सब्जियों में बनाने में तो खैर होता ही है, हम करते ही हैं। तो अब मैं इसके बारे में कुछ बातें बता दूं। मेथी के बारे में ये जो एक है मसालेदार सब्जी है, हम लोग इस गुणकारी मसालेदार सब्जी के बीज अपने घर में हर रोज मेथी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें कि मेथे कहा जाता है, जैसे मेथे बोलते हैं ना, और कई जगहों में मेथरे भी बोला जाता है और हिमाचल और पंजाब में कई लोग मेथरे कहते हैं और कई मेथे कहते हैं। तो मेथी का भी बताऊंगी मैं दो तरह से कैसे अलग अलग क्या क्या होती है, पहले इसके बारे में बता दूं। फिर हम जो मेथी पीले फूलों वाली होती है जो बाजार में बिकती है, वो मेथी जैसे मैं ये बताऊं, ये इसके सीड ये बारीक होते हैं, ये मैं निकाल के बताऊंगी, इसके सीड जो अलग होते हैं। तो इसके जो प्लांट भी होते हैं वो थोड़े अलग से फैले फैले होते हैं। ये जो मैंने ग्रो बोतलों में ग्रो कर रखी हुई है, ये मेरे घर के जो मेथे हैं ये वो हैं। तो ये दो तरह की होती है। तो इसकी जो कटाई है, जो ये बारीक वाली, मैं जो पीले फूलों वाली ये बात कर रही हूँ, जो ये बाजार में अक्सर बिकती है, तो इसकी कटाई पालक की तरह की जाती है। पालक की तरह इसे काटा जाता है और कुछ टाइम के बाद फिर इसकी नई नई पत्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप मेथे के बीज बनाना चाहते हैं तो फिर आप उसे काटे नहीं, जैसे ये मैंने बोला ना, ये किचन में जो ये मोटे वाले, ये जो मसाले वाले में इस्तेमाल होते हैं, तो जो किसान लोग ज़्यादातर लगाते हैं तो वो क्या करते हैं कि सीड बनाने के लिए ज़्यादातर इसे ग्रो करते हैं और फिर वो सीड के रूप में, मसाले के रूप में जो सीड हैं इसके, वो बेचते हैं या फ़ायदा लेते हैं या खुद भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से करते हैं वो, फिर इसकी जो कटाई है वो कम करते हैं या थोड़ी बहुत पत्तियां चुन के लाते हैं, तो उतनी उसकी कटाई नहीं होती जितनी कि ये मेथी, ये बारीक पीले फूलों वाली जो होती है ये। तो मेथी की जो होती है ये बड़े वाले जो सीड होते हैं इनकी जो कटाई है वो फिर कम करते हैं। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे
किचन में से निकाल के ग्रो कर लेते हैं। और आप जानते ही हैं कि शुगर के पेशेंट हों चाहे ब्लड प्रेशर के हों, तो हर रोज इनका वो इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, उससे काफ़ी कुछ इन बीमारियों को जो है इन बीमारियों का कंट्रोल होता है। और दूसरा, कई लोग हैं खाली पेट इसके पानी के, मेथी के पानी को पीना पसंद करते हैं, उससे मोटापा भी कम होता है और कैंसर के बचाव में और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं इससे दूर होती हैं। तो जो मेथी बाज़ार में आती है, मैंने बताया कि बहुत सीड जो उसके पीले फूलों वाली बारीक होते हैं, इसका पौधा पंजाब और हिमाचल में पाए जाने वाला एक घास होता है जिसे कि सिरड़ी के नाम से जाना जाता है और वो जानवरों को चराया जाता है। तो कई बार ये होता है कि अगर हमें पहचानना हो तो हम वो घास भी बिल्कुल, ये जो मैं मेथी बता रही हूँ ना बारीक वाली पीले फूलों वाली जो मेथी होती है, तो उसके जैसे पत्ता होता है, तो वो उसकी पहचान के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि पत्ती को मसल के देखना पड़ता है। और मेथी की खुशबू तो आपको पता ही है कि अलग तरह की होती है, तो फिर पता चल जाता है। पर हाँ, जब वो घास पे सीढ़ी जो घास होता है ना उस पे सीड बनते हैं, तो वो अलग तरह से फिर तब पहचान हो जाती है उसकी कि ये घास है। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं खूब सारे पाए जाते हैं, इसमें खूब सारा जो पोटाशियम, प्रोटीन, विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बहुत कुछ इसमें और भी बहुत सारा बहुत कुछ इसमें पाया जाता है। तो ये खाने में इतने जब गुणों वाली है तो कितनी खाने के लिए बढ़िया ये होगी। और एक तो लोग इसे जो अपनी खुशबू के लिए बहुत इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं, और सर्दियों में कई तरह की जैसे बीमारियां हो जाती है, गठिया के जो पेशेंट होते हैं उनको तो खास करके इसके कई तरह के जैसे लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं मेथी के, उनका इस्तेमाल होता है। जहाँ जो बच्चा होने के बाद लेडीज़ को इसके लड्डू दिए जाते हैं मेथी के, तो बहुत सारे जो बीमारियों को हैं ये फिर दूर रखती हैं, और बात वगैरह की बीमारी को भी ये दूर रखती है। बाकी यहाँ पे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा बारिश होती हैं तो वहाँ इन्हें लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लगते नहीं हैं और वो थोड़े सड़ जाते हैं। अगर इसके बीज लगा रहे हों तो सीड बनाने के लिए अगर आप लगा रहे हो तो फिर आपको नवंबर एंड में इन्हें लगा देना चाहिए। और बाकी जो पहाड़ी इलाकों में लगाई जाती है वो जुलाई से लेके अगस्त तक इसे बोया जाता है, और हमारे यहाँ तो मैंने बता ही दिया आपको कि सितंबर से लेके मार्च तक जब मर्जी से लगाया जाता है। और अगर आप मेरे भाई बहन इसे सब्जी के तौर पर लगाना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि कुछ एक गमले या क्यारी में कुछ एक गमले रख लें और आठ दस दिन के अंतराल में कुछ कुछ सीड आप लगाते जाएं, तो फिर आपको पूरा टाइम भर आपको ये जो मेथी है खाने को मिलती रहेगी। और जैसे एक कटिंग, एक गमले की कटिंग जो पहले लगाई है कर दी आपने, और फिर दूसरे गमले की मेथी तब तक तैयार हो जाएगी, और तब तक फिर तीसरे की और फिर पहले की, इस तरह से आपको लंबे टाइम तक ये मेथी मिलती रहेगी। पूरा टाइम पर जितना भी इसका वो सीज़न में रहेगी ये पूरे टाइम आपको मिलती रहेगी। और इसी तरह से आप क्यारी में भी ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी की बात करूँ तो मैं ये हर किसी मिट्टी में ग्रो हो जाती है, पर अगर हल्की एसिडिक या न्यूट्रल या हल्की एल्कलाइन मिट्टी हो तो उसमें भी ये खूब अच्छे से चलती है, बढ़िया तरीके से चलती है। तो जब आप मिट्टी बनाएं तो एक हिस्सा आप अपने गार्डन की मिट्टी लें, एक हिस्सा आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, और एक हिस्सा जो आप है वो आप बारीक रेत मिला लें मिट्टी में। तो ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत बढ़िया होना चाहिए, मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए। और जब एक चीज़ मैं और बताऊँ, ये जो मेथी में इतने सारे गुण पाए जाते हैं, ये अपने आप में ही एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है आपके गार्डन के लिए, दूसरे प्लांट्स के लिए भी, और ये खुद के लिए भी। जब आप इसे ग्रो करेंगे तो आप अच्छी मिट्टी बनाएंगे ही, और फिर आपको और कुछ भी इसमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देना ही चाहते हैं तो 15 दिन के बाद आप चाहे तो आप मेथी दाना जो होता है, ये मेथे होते हैं, इनको कुछ देर भिगो के रखें, जैसे कुछ देर भिगो के फिर उसके बाद मिक्सी में चला दें,
और फिर 6-7 घंटा जैसे पानी में छोड़ दें, और उसके बाद 1 लीटर पानी में आप छिड़काव इसमें कर सकते हैं, जहाँ ऐसे सीधे इसमें मिट्टी में इसमें डाल सकते हैं, प्लांट्स में डाल सकते हैं। तो वही सब मेथी को ही, मेथी के वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे इसके लिए, और ये फिर आप दूसरे प्लांट्स में भी दे सकते हैं। चाहे तो मेरे बहन भाई जब बाजार से ये खरीद के लाते हैं, हम मेथी साफ करते हैं तो उनकी डंडियाँ खूब सारी निकलती हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं मोटी, तो उसको कभी भी मत फेंकें। उन डंडियों को आप ऐसा करें, मिक्सी में अच्छे से चला के, पत्तियाँ भी होती हैं साथ में कई सारी, उनको चला के फिर कुछ देर रख के, और एक जैसे मग बनाते हो तो उसमें 5-10 मग पानी मिला लें, और अपने सारे प्लांट्स में दे सकते हैं। इतने सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स जो मैंने अभी बताए हैं वो भरपूर आपके प्लांट्स को मिलेंगे, और इसमें भी वो आप 15 दिन में दे सकते हो, आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका चाहे मन करे तो आप गोबर की खाद का देना चाहें तो गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं, जहाँ कुछ और भी कई तरह के मैंने आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाए बताए हुए हैं, वो भी आप दे सकते हैं। बाकी अपनी धूप कैसी, इसको अगर 5-6 घंटे की इसको धूप मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, और इसको जो लगाने का जो इसको बढ़िया टाइम रहता है वो इसको सर्दी वाला मौसम, ठंडक वाला मौसम इसे पसंद आता है। और ये है 5-6 घंटे की धूप अगर मिल जाती है तो उसमें ये अच्छे से चलती है। तो पानी आपने देख लेना है कि कैसे, अगर गमले में जैसे लगाते हैं तो मिट्टी जो है अगर तेज़ धूप है सूख जाती है, तो फिर आप हल्का पानी दे सकते हैं, पानी बस रुकना नहीं चाहिए, बहुत गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके यहाँ फॉग वगैरह जहाँ धूप बहुत दिनों तक नहीं निकल रही है, मॉइस्चर मिट्टी में बना रहा है, तो फिर मिट्टी अगर सूख जाती है तब पानी दे। तो ज़्यादा गीला रहने से क्या है, इसमें फंगस की प्रॉब्लम जो है, वैसे तो ज़्यादा बीमारियाँ नहीं आती एफिड्स वगैरह जहाँ फिर इस मौसम में इसमें इसकी पत्तियों में हो जाते हैं, वो फंगस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है जैसे पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह, तो उसके लिए आप फंगस के लिए आप प्याज या लहसुन का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना के इस पर स्प्रे कर सकते हैं, हर हफ्ते कर सकते हैं। और जब 1 महीना की इसकी पत्ती हो जाए तो आप इन्हें चुन सकते हैं, फिर नई और निकल आएंगी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और बाकी एफिड्स वगैरह के लिए अगर आप प्याज और लहसुन का वो बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था, तिक्खी मिर्च भी डाल सकते हैं और पुदीना या अदरक भी कुछ डाल, एक टुकड़ा डाल सकते हैं, तो उससे क्या है कि एक जो तिक्खी सी लेयर इन पे पत्तियों पे जमा हो जाती है और फिर कीड़े वगैरह अटैक नहीं करते हैं। तो ये सब आपने करना है। तो फर्टिलाइज़र का तो मैंने बता ही दिया कि ज़्यादा उसके फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, तो कैसे किस तरह से मेथी का ही इस्तेमाल आप मेथी में कर सकते हैं या दूसरे प्लांट्स पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से वेस्ट मटेरियल है, बोतल वगैरह, तो ये बोटल्स में ये आप इस तरह से लगा सकते हैं, ये आप देख पा रही हैं। तो ये मैंने एक तार पे टांगी हुई थी, तो क्योंकि फिर मुझे वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता तो फिर मैं ये नीचे उतार के ले आई। ये देखो इसकी रूट्स भी दिख रही हैं इस तरह से, ये मेथी, ये देखो कितनी अच्छी है, पूरी मैंने बोटल्स में 1 लीटर की बोतल के 2-2 ये हिस्से करके उस तरह से इसमें ग्रो की हुई है, ये देखिए ये ऐसे। तो 1 हफ्ते के अंदर ही, 4 दिन में ही ये जो है इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत जल्दी ये उगती है, और महीना भर में जो ग्रोथ है थोड़ी स्लो होती है, फिर उसके बाद जल्दी होना स्टार्ट हो जाती है। पहले मैं आपको सीड दिखा दूँ, तो ये जो मैंने ये बोटल्स में ग्रो कर रखी हैं ये मेथी हैं, और ये मेथी, ये देख रहे हैं फ़र्क, ये कितनी बारीक है, ये बारीक, ये पीले फूलों वाली जो होती है ये वो मेथी है ये, और ये मोटे मेथे जो इस तरह से, ये खुशबूदार, ये इसे कसूरी मेथी भी कहा जाता है, ये इस तरह से ये बारीक सीड, ये देख रहे हैं आप। तो ये अब मैं ग्रो करूँगी इसमें। तो ये मिट्टी जो पॉली बैग में, जैसे कि मैं कई बार बनाना सिखाती हूँ, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखा, थोड़ा इसको ऐसे कर लें। कई भाई बहनों ने कहा कि हम बैग में बनाते हैं तो वो अच्छी नहीं बनती, तो थोड़ा इसे इस तरह से कर लेना है ताकि ये अच्छे से साइडों में भी, कई बार कम भरते हैं और पानी देते हैं तो ये साइडों से ये इसकी लेयर जो है अलग हो जाती है, इसको ऐसे कर लेना है इस तरह से। और बस ये सीड इसके स्प्रिंकल करने हैं, जिस तरह से ये करते हैं ऐसे, ये सारी मिट्टी में इस तरह से स्प्रिंकल करने हैं, ये इस तरह से,
ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे, ये ऐसे करने हैं, ये हो गए ना, ये दिख रहे हैं ना आपको, बस हल्के से ये मिक्स करने हैं मिट्टी में। ये मिट्टी मेरे गार्डन की जो मैंने रेशो बताई वही है इसमें। और जब मैं इसमें फर्टिलाइज़र दूंगी तो मैं इसमें मेथी का ही, जैसे आजकल बाज़ार से भी बहुत मेथी आती है, तो मक्की की रोटी में खूब मेथी की बनाई जाती है, चाहे दूसरी परांठी में इस्तेमाल होता है, तो खूब सारी डंडी होती हैं, तो वो कभी भी ना फेंके, बस पानी दे देना है इसको आपने। और सीड निकलने तक जो है मिट्टी इसकी सूखनी नहीं चाहिए, मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए। ये मेरी मिट्टी पूरी सूखी थी तो मैंने ज़्यादा पानी दूंगी ताकि अच्छे से नीचे तक बैठ जाए, पूरा मिट्टी गिल्ली हो जाए। फिर एक बारी जो पहली बारी ज़्यादा देना पड़ेगा, फिर बाद में जैसे मौसम देखेंगे वैसा, कैसी कैसा है, बहुत तेज़ धूप है, सूख रही है मिट्टी, तो उसी तरह से जैसे दूसरे प्लांट्स को देते हैं पानी उसी तरह से देना है। तो अब ये सूखी मिट्टी है बिल्कुल, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी थोड़ी देर में, ये रच बस जाएगा पानी। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह की आपके पास ये बोटल्स कितनी पड़ी होती हैं, बेकार में पड़ी होती हैं, तो इस तरह से दो हिस्से करें और ये आप अपनी मेथी लगा सकते हैं। और तो और मैंने कर्नाटका में देखा, वहाँ साबुत पत्तियों को साफ करके धो के अच्छे से सैलेड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो उनका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा कड़वापन तो रहता है, पर अगर हेल्थ अच्छी रखनी है तो कोई बुरी बात नहीं है, बस साबुत डंडियों के साथ ही फ्रेश मेथी को सैलेड में खाया जाता है, तो बहुत ही बढ़िया। नमस्ते जी, शुक्रिया। और जो मेरे भाई बहन लगाना चाहते हैं तो वो आराम से इसे ग्रो कर सकते हैं। धन्यवाद जी। और कुछ पूछना चाहते होंगे, मैं भूल चुकी होंगी, तो आप पूछ सकते हैं।